तो हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ इंदिरापुरम नोएडा की एक बहुत ही अमेजिंग प्लांट नर्सरी में, जहाँ पर कि सारे एग्जॉटिक ही प्लांट्स मिलते हैं। कोई नॉर्मल प्लांट्स आपको यहाँ मिलेंगे ही नहीं। सो मैं आ गई हूँ इनके इंडोर प्लांट के सेक्शन में, और चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या अमेजिंग वाले प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। दीज प्लांट्स आर ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम आइदर चाइना, जापान और सम अदर कंट्रीज। नथिंग इज इंडियन इन दिस प्लांट नर्सरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर ही देखना है हमें, और चलिए चल के देखते हैं इनका इंडोर सेक्शन। आइए। तो सबसे पहले तो आ गया है आकाश जीजी, एंड जीजी समथिंग मेरे ख्याल से हम सबका ही फेवरेट है ये, बट दिस इज इम्पोर्टेड। और ये कोकोपीट में लगाया हुआ है, प्लास्टिक के पॉट में है। आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है पीस रिलीज। और पीस रिलीज में क्या नया है, वो है कि ये लग रही है हाइड्रोपोनिक में। ये है प्लास्टिक का जार, इसके अंदर सेल्फ वाटरिंग काइंड ऑफ पॉट बना रखा है, और उसी में ही पानी में ही ये चलने के लिए एकदम रेडी है। बहुत बढ़िया, इनकी हेल्थ जो है दैट इज़ वेरी गुड। और बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स भी इसमें खिल रहे हैं, यू कैन सी। सो दिस इज पीस लिली इन हाइड्रोपोनिक स्टाइल। सो दिस इज बॉन्साई ऑफ फाइकस। और देखिए, हर एक प्लांट अगर मैं उठा करके देखूंगी तो इनकी सबकी जो जड़ें हैं वो कितनी कितनी डिफरेंट हैं। यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग करी गई है। सो यस, इजंट इट जस्ट ब्यूटिफुल। सो अब तक का जो मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट यहाँ पर नज़र आया है, वो अब आने ही वाला है। आई डोंट नो आपने कभी उसे देखा है या नहीं, लेकिन मैंने इससे पहले, आज से पहले उस प्लांट को कभी भी नहीं देखा था। सो वो है ये सारा का सारा। दिस इज नॉट कोई पॉट हो लकड़ी का या एनीथिंग, इट इज़ नॉट दैट। दिस प्लांट इज कॉल्ड एज ब्राज़ील रूट। और जो ब्राज़ील रूट है ये ऐसे ही पानी के अंदर बस इसे रख देते हैं, यू कैन सी इट फ्रॉम एवरीवेयर। और बस इस रूट को आप पानी में रखेंगे और ये ऐसी ही चलती चली जाएगी। सो दिस इज ब्राज़ील रूट, और आई मीन आई हैव नेवर सीन सच अ प्लांट इन माय लाइफ। सो दिस इज हाईली एग्जॉटिक। चलिए और थोड़े से अपन लोग यहाँ पर प्लांट देखते हैं। ऑन माई राइट यू कैन सी सम वराइटीज ऑफ स्नेक प्लांट। यहाँ भी जो इस तरफ देखेंगे आप, वहाँ पर भी स्नेक प्लांट की अलग अलग वैरायटीज हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्नेक प्लांट की ये वैरायटी है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और है इस तरफ यही वाली है, थोड़ा सा हाइड्रोपोनिक्स में जो स्नेक प्लांट है वो भी लग रहा है, वो ही पानी के अंदर प्लास्टिक का पॉट है, और उसके अंदर ये देखिए रूट का कैसा जाल जो है वो बन गया है। सो दिस इज अगेन हाइड्रोपोनिक्स के अंदर स्नेक प्लांट। आगे जो मुझे दिख रहा है वो है कलेडियम, और काफ़ी अलग तरीके का कलेडियम है। ये देखिए दो, इसका कलर कुछ अलग नहीं है, एंड इट इज रिजेम्बलिंग सिंगोनियम अलॉट, बट दिस इज कलेडियम। और काफ़ी अलग तरीके की जो वैरायटी है वो है, लॉन्ग पॉट में लग रही है, यू कैन सी इट इज़ बिन इम्पोर्टेड। और ये भी कोको पीट के अंदर ही लग रही है, इट कम्स विद अ स्टैंड एज वेल, दैट इज क्वाइट कूल। तो ये है सारा का सारा एंथूरियम, और छोटे फ्लावर वाली इसकी ये वैरायटी है। और बस कोको पीट के अंदर ये जो प्लांट्स हैं ये लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आगे आप देखेंगे अगेन एग्लोनिमा जो प्लांट होता है वो भी काफ़ी अच्छा चलता है इंडोर में। और ये वाला जो प्लांट है ये भी एग्लोनिमा है, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो होता है वो भी है। इसके बाद एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लांट जो मुझे यहाँ पर लगा वो है ये वाला। ये वाला जो है, ये है कटलीफ बैम्बू। कटलीफ बैम्बू जो है ये 500 का है। प्लांट्स जो है वो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी के अंदर हैं, प्राइसिंग के अंदर हैं। तो जो मैंने आपको ब्राज़ील रूट दिखाई थी वो थी कुछ 450 रुपये की। बाकी के जो मैंने आपको हाइड्रोपोनिक्स वाले कुछ प्लांट्स दिखाए हैं वो हैं 750 के। यहाँ पर आप एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लांट और देख सकते हैं, दिस इज़ मचेरा, रोज़ मचेरा।
तो ये जो है ये नहीं बॉन्जाई, लेकिन ये लगता है बॉन्जाई जैसा। देखिए इसकी जो रूट्स हैं, इसका जो रूट सिस्टम है वो कैसा है कि रूट सारी की सारी बाहर निकल रही हैं। सो ये जो मचेरा है, दिस इज 750 रुपीज़। तो ये भी एक बॉन्जाई लुकिंग प्लांट है, इसको बोलते हैं पचेरा। 250 रुपीज़ जो है वो पचेरा की प्राइस है। एक जो मुझे यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखी है वो है ये ग्रास बैम्बू। लेकिन ग्रास बैम्बू इज नॉट विच आई एम रियली इंक्विजिटिव अबाउट, बट आई एम इंक्विजिटिव अबाउट दिस ग्रास। ये जो नीचे इसमें ग्रास लग रही है, ये कुछ अलग तरीके की, मुझे कुछ सक्यूलेंट जैसी ग्रास लग रही है। और ये भी यहाँ पर बढ़ती रहती है। इट इज़ पुट इन सॉइल, दिस इज नॉट इन वाटर, जो कि हम लोग जनरली बैम्बू देखते हैं कि वाटर में लगा हुआ होता है। ये वाटर में नहीं है, ये मिट्टी में है और इसमें ये ग्रास लगी हुई है, विच इज़ क्वाइट एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि मैंने इस तरीके की ग्रास जो है वो नहीं देखी है। और इनके पॉट्स देखिए कितने क्यूट हैं, डोरेमोन का पॉट है। इसके अलावा अगर आप ये वाला देखेंगे तो बैम्बू और पांडा कैन नॉट बी सेपरेटेड। और ये देखिए क्यूट सा पांडा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, हार्ट शेप के पॉट के अंदर भी ये नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर पॉट है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इस नर्सरी के अंदर बैम्बू की बहुत अमेजिंग वैरायटी है। दिस इज स्पाइरल स्टिक्स ऑफ बैम्बू। और ये देखिए कितनी सुंदर है, और यहाँ पर इतनी सारी जो है ये बैम्बू स्टिक्स जो हैं वो लग रही हैं। आप भी इनको ज़रूर ले सकते हैं फ्रॉम दिस नर्सरी। और यस, काफ़ी बहुत लकी माने जाते हैं बैम्बू घर में रखने के लिए। दीज आर इंडोर बैम्बूज और अमेजिंग लुकिंग लाइक अ वाओ। सो एक और जो बहुत ही अमेजिंग प्लांट मुझे यहाँ पर मिला वो है ये प्लांट। और ये जो है ये है ब्रीडेड सेंसेवीरिया, जिसको हम कहते हैं स्नेक प्लांट। बट ये ब्रीडिंग करा हुआ है, इसकी चोटी बनाई हुई है। सो दिस इज अ परफेक्ट क्रिसमस गिफ्ट और अ बर्थडे गिफ्ट। यू कैन इवन गिफ्ट इट टू योर बिलवड ऑन द वैलेंटाइन डे। सो यस, इट इज जस्ट सो प्रिटी और बहुत ही क्यूट लग रहा है ये प्लांट। और ये प्लांट की जो प्राइस है 750 रुपीज़ के अंदर ये प्लांट जो है आपको मिल सकता है। तो एक और प्लांट जो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस में दिख रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है वो है ये प्लांट। ये है बैम्बू का केज डिज़ाइन का प्लांट, और वो भी हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। सो ये ऑब्वियसली बैम्बू हमने देखा ही है कि पानी में काफ़ी चलता है। सो ये पानी में चलने वाला बैम्बू प्लांट है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। दिस इज़ अ हाइड्रोपोनिक केज बैम्बू। सो ये है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर पानी में लगा हुआ एक बैम्बू प्लांट जो कि ब्रीडेड है। ब्रीडेड मतलब इसकी चोटी बनाई हुई है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुछ 1000 रुपये का। और एक और जो बहुत ही अमेजिंग प्लांट है वो है ये, इसको मैं उठाई नहीं पा रही हूँ। सो दिस इज केज डिज़ाइन ऑफ अ बैम्बू प्लांट। और देखिए कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। बट ऐसी सुंदरता जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है। और हाँ, ये भी काफ़ी महंगा है, ये है 2200 का। बट इट इज़ एन इंडोर प्लांट और इसकी खूबसूरती जो है वो देखिए, आई थिंक 2200 इज़ जस्ट वर्थ इट। सो अभी तक हम जिस इंडोर गैलरी में थे इस नर्सरी की, विच इज़ गार्डन ग्लोरी, वो था छोटे प्लांट्स का, इंडोर प्लांट्स का ग्रीन हाउस। और अब मैं आपको जिस जगह पे लेके जा रही हूँ, दैट इज़ समथिंग यू वुड नॉट हैव एवर सीन। सो ये है बड़े इंडोर प्लांट्स का ग्रीन हाउस। और चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एग्जॉटिक प्लांट्स हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये रबर प्लांट है। और मैंने बहुत पुराने रबर प्लांट देखे हैं। हमारी जो नर्सरी थी उसमें ज़मीन में लगे हुए रबर प्लांट्स होते थे, लेकिन इस तरीके की उनकी इतनी बड़ी जो ट्रंक होती थी वो कभी भी नहीं होती थी कि इतने मोटे मोटे उसके जो ट्रंक है वो हों। एंड लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। और ये वाला ऑलमोस्ट कुछ 15,000 का जो है ये रबर प्लांट है। रबर प्लांट ब्लैक है ये, और ये इंडोर है। आप इसे आराम से अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज रबर प्लांट एज यू ऑल नो, एंड दिस इज एन इंडोर वैरायटी। दिस इज ब्लैक रबर प्लांट एंड अ बॉन्साई। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर जो है ये जो रबर प्लांट्स हैं वो रख रखे हैं।
वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलें तो ये है पछेरा। हमने अभी थोड़ी देर पहले छोटे छोटे पछेरा देखे थे, लेकिन अब ये देखिए ये कितना, वो वाला देखिए कितना बड़ा पछेरा है। एंड इन फैक्ट नॉट जस्ट दैट इट इज सो ह्यूज, दिस ऑल्सो इज ब्रेडेड। तो इसकी भी देखिए चोटी बनाई हुई है। और ये जो पछेरा प्लांट है ये भी इंडोर प्लांट है, आपके घर की शोभा को ये डबल ट्रिपल कर देगा। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 15,000 रुपीज़ बड़े पॉट के अंदर। बस इतने बड़े पॉट के अंदर आप उसे लगाएं, अपने घर के अंदर लगाएं, और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो रहेगा। आगे जो मैं आपको प्लांट दिखाने वाली हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा कॉमनली उसे मैंने कहीं पर देखा नहीं है, और वो वाला प्लांट है ये। दिस इज कॉल्ड एज ड्रैका, ये है ड्रैका सिंगर प्लांट, और ये कुछ 10-12 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आता है। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडोर प्लांट, और इसका भी ट्रंक देखिए आप, देखिए इस वाले का ट्रंक कितना ज़्यादा हेफ्टी है, काफ़ी मोटा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अपने घर में आप इस तरीके का एग्जॉटिक प्लांट लगाएंगे तो आपके मेहमान आते ही आपका जो टेस्ट है उसको जान जाएंगे डेफिनेटली। तो ये भी जो है एक ड्रैका की ही वैरायटी है, ड्रैका सिल्वा, ये नॉर्मल ड्रैका है। और ये देखिए इससे भी जैसे पोनीटेल अपना प्लांट होता है उसकी तरह से ही इसकी जो लीव्स है वो उस तरीके की गिर रही हैं। बट दिस इज़ एन एग्जॉटिक प्लांट, और काफ़ी कम जगह जो है ये प्लांट जो है वो लगा रहता है। ये देखिए इसका ट्रंक भी कितना ज़्यादा मोटा है। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडोर प्लांट, दिस ऑल्सो इज़ अराउंड द प्राइस ऑफ 12,000-15,000, एंड यस दिस इज़ एन इंडोर प्लांट। आइए और देखते हैं, मेरी इस तरफ है सिल्वर ड्रैका, मेरी इस तरफ है ड्रैका, और काफ़ी दूर तक ये चले जा रहे हैं। इसके बाद में जो मैं आपको दिखाती हूँ ये है रोज़ा मछेरा और रेड मछेरा, और इसकी काफ़ी हद तक जो लीव्स होती है वो प्लास्टिक जैसी दिखती है। अगर आप इसको एकदम साफ करके और अपने घर में रखें, ये देखिए थोड़ा सा अभी यहाँ गंदा हो रहा है क्योंकि रोड साइड है थोड़ा सा, तो ये देखिए इसकी साफ करते ही इसमें इतनी बढ़िया शाइन आएगी, और एकदम दूर से देखने में जो है प्लास्टिक का प्लांट लगता है। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि ये नेचुरल प्लांट है या आर्टिफिशियल प्लांट है। ये है रेड मचेरा, और ये देखिए कितना सुंदर पॉट के अंदर ये लगाया गया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल इंडोर प्लांट, और ये काफ़ी तादाद में ये प्लांट जो है यहाँ पर रखा हुआ है। मेरे राइट हैंड साइड पे दोबारा से आ गया है सिल्वर ड्रैका, ये फिलोडेंड्रम। फिलोडेंड्रम मैंने बहुत वैरायटीज़ में देखा है, बट दिस फिलोडेंड्रम आई हैव नेवर सीन। ये देखिए, और इसकी कुछ नई जो पत्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है इसकी ये जो पत्ती है। तो शुरू शुरू में इसका ब्राउनिश कलर है, रेडिश काइंड ऑफ, और उसके बाद में जैसे जैसे लीव्स जो हैं वो थोड़ी पुरानी होती जाती हैं, दे टर्न इनटू ग्रीन कलर। सो यस, फिलोडेंड्रम जो है डेफिनेटली एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडोर प्लांट है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी केप्ट इंडोर्स एट योर प्लेस इन इंडिया एनीवेयर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडोर एग्जॉटिक प्लांट्स विच आर अवेलेबल एट गार्डन ग्लोरी नोएडा इंदिरापुरम। सो मुझे बहुत ही मज़ा आया इस नर्सरी के इंडोर प्लांट्स देखने में, बिकॉज मेजरली ऑल ऑफ देम दे हैड समथिंग न्यू टू देम। या तो हाइड्रोपोनिक्स में थे, जो कि हम जनरली मिट्टी में प्लांट्स लगाते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स में लगे हुए थे, अदरवाइज द वैरायटी दैट दे ऑफर इज सो अमेजिंग। और मुझे लगता है कि जितनी प्राइसिंग हम बाहर दूसरी नर्सरीज में देखते हैं उससे थोड़ी कम ही प्राइसिंग है। सो यस, आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने के लिए, और आपको भी बहुत सारे नए नए प्लांट्स जो है वो यहाँ पर दिखे होंगे। विद दैट आई वुड से बाय बाय टू यू, बट यस, don't forget to like the video, subscribe to my channel, and also share it to as much people as you can.